बेंचा, पर सवाल सही है। ये सवाल आप भी पूछ सकते थे, ये सवाल आप भी पूछ सकते थे। मैंने प्रसंग सुनाया आपको कि कनक ऋषि महासव को उपास था और गुरुदेव ने वो मिर्ची का ठेसा उठा करके उनको दिया और उन्होंने खाया, है ना। उपास में खा सकते हैं क्या? गुरुदेव दे तो खा सकते हैं, क्या है? और मिर्ची का ठेसा खाना है, लड्डू नहीं है। क्या खाना है? ठेसा, वो भी बिना रोटी का, उसमें कोई हाँ मुंह में जाकर क्या करेगा, वो पेट में जाकर क्या करेगा, हाँ करेगा। लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ। पचकान के समय में एक शब्द बोलते हैं, महत्तरा गारेनम। क्या बोलते हैं? महत्तरा गारेनम। और महत्तरा गारेनम का मीनिंग होता है महत्तर यानी बड़े। बड़ों ने कुछ कहा है तो मैं उसको कर सकता हूं। सहसा गारेनम शब्द कितने पर आप पचकान लेते हैं? आप बच्चे ने पूछा इसलिए सब्जेक्ट शुरू हुआ, पर कितना ही शब्द में बोला और किन मीनिंग कहीं मालूम रेवे नहीं, भाई मासा पचकान दे दो, है ना। सहसा गारेनम, परिठवाणिया गारेनम। परिठवाणिया गारेनम संतों के लिए होता है कि गोचरी ज्यादा आ गई है, खा नहीं सकते सारे संत मिल करके, और उसमें किसी को उपास है तो गोचरी परठाने के बजाय, फेंकने के बजाय, कूड़ादान में डालने के बजाय, उसके उपास में उसको आहार कराने की हमारे यहाँ व्यवस्था है। उसको क्या कहते हैं? परठौनिया गारेनम। सहसा गारेनम किसको कहते हैं? कि बिना सोचे, कुछ ध्यान नहीं रहा, उपास पचका आपने, उपास पचक लिया, और रोज की आदत है अपने को, कुछ सामने आए तो मुंह में डाल लिया। और ऐसे उपास के समय में बिना सोचे चलते चलते कोई दो मुंह में चले गए तो उससे उपास टूटता नहीं। लेकिन इसका मतलब कैसे? सोच करके नहीं ना, सोच करके नहीं, सहसा हो गया। कैसा हो गया? सहसा हो गया। तो उसको क्या कहते हैं? आकस्मिक का अगर, क्योंकि जिन शासन का सोचिए उसके पीछे का साइंस समझ लेना। बच्चे का सवाल बच्चे को दे दिया, आप लोग उसका साइंस समझ लेना। ये मनोविज्ञान है कि आपने जो प्रतिज्ञा ली है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रतिज्ञा लेते समय ही ऐसी प्रतिज्ञा लेनी कि ब्रेक नहीं हो। तो जो जो संभावना है प्रतिज्ञा में होने की, उन संभावनाओं को पहले खुला रखा जाता है।